झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में विधिक सेवा सप्ताह के तहत गुरुवार को कमला कॉन्वेंट स्कूल चौमहला में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश मोहम्मद आजम ने की। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं से संवाद के माध्यम से उनकी जिज्ञासाएं समस्याएं जानी तथा उनका निराकरण किया। साथ ही उक्त कार्यक्रम में बच्चों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव, बाल तस्करी, बाल श्रम आदि के कानूनी प्रावधान व दंड के प्रावधानों के बारे में बताया। कार्यक्रम में विधिक सचिव दीपक प्रजापति, बार संघाध्यक्ष लियाकत अली, सीनियर अधिवक्ता रतनलाल राठौर, अभियोजन अधिकारी रमेश कुमार अटल, स्कूल व्यवस्थापक दीपेंद्र सिंह चौहान, पैरालीगल वॉलंटियर संजय राठौर आदि उपस्थित रहे। वही स्कूल के सामने चंद्रकला मीणा नामक महिला ने 11 महीने से पेंशन योजना में नाम की गड़बड़ी के चलते पेंशन बंद होने की व्यथा न्यायाधीश मोहम्मद आजम खान को सुनाई, जिस पर उन्होंने कार्यवाही के निर्देश दिए। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की स्पेशल रिपोर्ट। पेंशन नहीं मिलती आपको? कितने दिनों से बंद है? 8-9 महीना हो गया। क्यों बंद है? नाम की कोई दिक्कत है? अच्छा, नाम की दिक्कत है। वो चंद्रकला का नाम से आ रही है और चंद्र भाई का नाम से बंद हो गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो विधिक सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उस संबंध में आज कमला कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में बच्चों को बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल श्रम मजदूरी और अनिवार्य शिक्षा के तहत उनको जानकारी दी गई और उनकी जो जिज्ञासाएं थी उनको शांत किया गया। इस संबंध में और भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।